आप देख रहे हैं दखल न्यूज। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने धर्मसभा का आयोजन कर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का संकल्प दोहराया। ये धर्मसभा रीवा में हुई जिसमें कई संतों ने भाग लिया। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए संकल्प धर्मसभा का आयोजन रीवा में संतों के मार्गदर्शन में किया। धर्मसभा में मुख्य रूप से संत रमेश मणि महाराज, अयोध्या से आए हुए प्रपन्नाचार्य महाराज, केशवानंद महाराज, विजय शंकर महाराज उपस्थित थे। संतों ने अपने उद्बोधन में कहा कि भव्य राम मंदिर निर्माण की लड़ाई विगत 1528 से चली आ रही है, अब समय आ गया है कि मंदिर का निर्माण सरकार द्वारा कानून बनाकर किया जाए। मुख्य वक्ता राजेश तिवारी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो, यह लाखों हिंदुओं एवं साधु संतों के आस्था का विषय है। श्री राम मंदिर का निर्माण इसकी सारी बाधाएं दूर हो, अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। इस अनुष्ठान के साथ साथ सभाएं की जा रही है। इन सभाओं में इस बात का संकल्प लिया जा रहा है कि हमारी सारी बाधाएं दूर हो, केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी कानून बनाए। जैसे सोमनाथ पर भव्य मंदिर का निर्माण कानून किया था वल्लभ भाई पटेल जी ने, वैसे ही ये सरकार राम जी का भव्य मंदिर निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त करे कानून बना करके। यह सर्वोच्च न्यायालय शीघ्र निर्णय दे कि वह राम जन्मभूमि जो है उसके पक्ष में जो सारे एविडेंस हैं, प्रमाण है, जो भारत के राम भक्तों का, हिंदू समाज का आस्था का केंद्र है, उस भूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण है। इस हेतु से सभा का आयोजन किया जा रहा है। संतों ने मांग की सरकार तुरंत कानून बनाए जिससे साधु संतों के मार्गदर्शन में राम मंदिर के निर्माण का काम प्रारंभ हो सके। कार्यक्रम का संचालन विहिप के जिला मंत्री मनीष भार्गव द्वारा किया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।